अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 650 किलो गांजा बरामद किया। ये लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। पुराना पुल बस स्टॉप के पास से इनको पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक सागर करजी, अरुणा निंदी, विशाल संतोष करजी और नारायण संबीर, ये लोग को हिरासत में लिया गया। ये लोग दिनेश सिंह और मनमोहन सिंह, जो धुलपेट के रहने वाले हैं, उनको ये गांजा देने आए थे। फिलहाल ये दोनों फरार बताए गए हैं, जबकि इन पर केस दर्ज करके वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिए। मंगलहाट पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज शाम में 4:30 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन आया, जो कोई यहाँ पे गांधी स्टैचू मंगलहाट का ने कोई गांजा भेजने के लिए कोई आया बोल के इन्फॉर्मेशन आया। इसके ऊपर हमारे SI शिवानंदन को और एक जवान को वहाँ पर भिजा दिए, तो एक चार्ज है ने सस्पेक्ट कंडीशन में वहाँ फिर रहा बस स्टॉप कने, तो चेक कर रहे तो इनका ने गन्नी बैग मिला। वो गन्नी बैग में गांजा था। कहाँ से आया बोले के उसको पूछे तो वो उड़ीसा वाला है। तो पूरा 6 किलो 6.5 किलो गांजा मिला। तो उनको पुलिस स्टेशन को पकड़ के लाए। उनका पोजीशन में एक दो सेलफोन सीज कर लिया, 400 रुपये भी है। वो 6.5 किलो गांजा सीज कर लिया। इसके ऊपर FIR करके कोर्ट को भेज रहा। सर, ये लाके यहाँ पर किसको भेज रहे थे साहब? यहाँ कोई नाम बोल रहा दिनेश बोल के, तो उनको भेजने के लिए आया कहते। ये लोग बाहर वाले पूरे उड़ीसा वाले, उन्हों भी नाम नहीं पता, जो मीडिएटर है उसको मिलने के लिए आया, तो उन्होंने नहीं अभी कांटेक्ट में नहीं आया। जब पुलिस वाले पकड़े गए कांटेक्ट में मीडिएटर नहीं आया। फर्स्ट टाइम आया साहब हैदराबाद? या हैदराबाद में ये तो केस में फर्स्ट टाइम आया वे लोग, इससे पहले केसेस में नहीं है। पूरा इंटरोगेशन रिपोर्ट लिख के और रिमांड को भिजाना। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।